नमस्ते दोस्तों, सत्यजीत टेक वर्ल्ड चैनल में कंप्यूटर साइंस के ऊपर और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर आपको स्वागत। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन अथवा कार्य क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर साइंस, वेब डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ब्लॉगिंग एवं मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक की जानकारी प्रदान करूंगा। चलिए बिना समय गवाए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। आजकल कंप्यूटर को हमारे लाइफ में हर जगह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कंप्यूटर के ऊपर बेसिक जानकारी रखना सबके लिए अति आवश्यक बन गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे सीखने और समझने में थोड़ा समय लगेगा। मैं यहाँ पर किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बात नहीं करूँगा, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूँगा जो सब जगह पर लागू होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर को एक प्लेटफॉर्म अथवा एनवायरनमेंट प्रदान करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये एक मैनेजर के जैसे काम करता है। रिसोर्सेस जैसे प्रोसेसर, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एवं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर एवं उन्हें उनका प्रोग्राम अथवा टास्क एलोकेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट एवं एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में खड़ा रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे विकसित हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम समय के साथ विकसित हुए हैं, जो बहुत ही आदिम सिस्टम से शुरू होकर आज की जटिल, आधुनिक एवं अनेक गुणों वाला सिस्टम तक। ऑपरेटिंग सिस्टम की विकसित का ब्रीफ जानकारी इस तरह है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर के साथ सिस्टम का डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं था। यूजर जॉब को तैयार करता था, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर को हैंडओवर कर देता था, जो एक एक कर उन जॉब्स को एग्जीक्यूट करता था कंप्यूटर सिस्टम पर, जिसके आउटपुट के लिए कई मिनट्स, घंटे अथवा दिन भी लग जाता था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सिस्टम को मल्टीटास्किंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये सिस्टम हमें एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर स्थित अनेक लोगों को जोड़ने की सुविधा प्रदान किया है। ये हमें इंटरेक्टिव यूज ऑफ सिस्टम की सुविधा को भी प्रदान किया है। पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूजर इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया था, जिस पर एक समय में केवल एक ही यूज़र मशीन को यूज एवं रन कर सकता है। इस सिस्टम में दो पार्ट्स है, BIOS एवं DIX ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी सारे प्रोसेसर की संगम से बनाया है। प्रोसेसर की संख्या वृद्धि करने से कम समय में अधिक काम कर पाता है। इस सिस्टम को पैरेलल सिस्टम भी बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल और इंडिपेंडेंट चलने वाले कंप्यूटर्स की ग्रुप को मैनेज करता है और उन सबको जोड़कर एक सिंगल कंप्यूटर की तरफ काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम की बहुत सारे कारणों से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शेयरिंग रिसोर्सेस, स्पीड अप कंप्यूटर, रिलेबिलिटी एवं कम्युनिकेशन के लिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सिस्टम को
इसीलिए डिज़ाइन किया गया है रियल टाइम की एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये सिस्टम क्विक और प्योरिटी वाइज काम करता है, जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी एवं एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सिस्टम को डिज़ाइन किया था छोटे छोटे मशीन के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, जैसे PDA, ATMs, डिजिटल होम असिस्टेंस और डिजिटल कैमरा एट्सेट्रा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर सर्वर के ऊपर कार्य करता है। नेटवर्क डिवाइसेस को लेकर, जैसे स्विच, रूटर, फायरवॉल, एप्लीकेशन एवं अन्य नेटवर्क के रिसोर्सेज को लेकर काम करता है। कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सिंगल प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत सारे प्रोग्राम के संगम से बना है, जैसे कर्नल, डिवाइस ड्राइवर्स, यूजर इंटरफेस एवं सिस्टम यूटिलिटीज से, जिसमें से कर्नल के बहुत ज़्यादा महत्व है। और सेकेंड इम्पोर्टेंट कह सकते यूजर इंटरफेस प्रोग्राम है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे जैसे समय की परिवर्तन हो रहा है, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स भी बहुत सारे डिवाइसेस हमारे लिए आविष्कार कर रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, एंड्रॉयड मोबाइल, आईफोन, लोगों की चाहिदा को देखते हुए इन सभी डिवाइसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए गूगल एंड्रॉयड OS एवं एप्पल आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कार्य प्रदान करता है सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने या संचालन करने के लिए, जिसमें से महत्वपूर्ण कार्य है प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट एवं आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, प्राथमिकता प्रणाली की स्थापना और प्रवर्तन करता है, गलतियां पकड़ता है, सॉफ्टवेयर एवं यूजर के लिए बीच में संपर्क बनाता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसका हिस्ट्री MS-10 से शुरू हुआ था और आज हम विंडोज 10 तक पहुंच गए हैं। शुरू में MS OS को इस्तेमाल करते थे, इसके बाद विंडोज 1985 में आया, विंडोज 3.1 1992 में आया, विंडोज 95 1995 में आया, विंडोज XP 2001 में आया, विंडोज विस्ता 2006 में आया, विंडोज 7 2009 में आया, विंडोज 8 2012 में आया, विंडोज 10 2015 में आया। मैं आशा करता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और क्या कार्य करता है इसके बारे में आपको अच्छे से समझा पाया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट्स करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको घर बैठे कंप्यूटर साइंस, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ब्लॉगिंग और मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर बेसिक से शुरू करके प्रोफेशनल लेवल तक की जानकारी दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का नाम है satyajitblogs.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।